और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार घाटी में इस वक्त सेना सर्च ऑपरेशन भी चला रही है और ये मुठभेड़ की खबर इस वक्त सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इसके अलावा पुलिस सेना का ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम और कुज्जर इलाके में मुठभेड़ इस वक्त जारी है, 2 से 3 आतंकवादी छिपे हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कुलगाम के कुज्जर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर इन इलाकों को इस वक्त सील किया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने राजौरी की, 3 दिन से जहां सेना का ऑपरेशन यहां पर जारी है, वहीं कुलगाम में भी आतंकवादियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। 2 से 3 इनकी संख्या बताई जा रही है। सेना लगातार घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आगे बढ़ती हुई और उसी के तहत ये आतंकवादियों और सुरक्षा बलों में इस वक्त मुठभेड़ की खबरें सामने आ रही है, कार्रवाई की जा रही है। 2 से 3 आतंकवादी अब भी घाटी में छिपे हुए हैं, ये जानकारी। एक राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां 3 दिन से सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है घाटी में, वहीं दूसरी तस्वीर कुलगाम की आप देख रहे हैं। आतंकवादियों सुरक्षा बलों में मुठभेड़ की खबरें इस वक्त सामने आ रही है। कुलगाम के कुज्जर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ अब भी जारी है और 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर इस वक्त सामने आ रही है, इनकी संख्या बताई जा रही है। पुलिस और सेना का यह संयुक्त ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है घाटी में। तो कुलगाम में सेना आतंकवादियों में मुठभेड़ की यह खबरें इस वक्त सामने आ रही है और राजौरी में 3रे दिन सेना का ऑपरेशन जारी है लगातार। कालाकोट के जंगलों में करीब 72 घंटे से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। ये आतंकवादी ऊंचे पहाड़, घने जंगल और गुफाओं की आड़ में छिपे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में सुरक्षा बलों पर गोलियां चला रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल के जवान भी सावधानी बरतते हुए डटे हुए हैं। इस 3रे दिन में जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कई सारी बाधाएं जो है वो सुरक्षा बलों को उसका सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से घने जंगल और जो पहाड़ी इलाका है और साथ ही साथ यहां पर कई सारी जो नेचुरल केव्स हैं वो बनी हुई हैं, जिसकी वजह से इस पूरे इलाके में लगातार जो तलाशी अभियान है वो फूक फूक कर जो सुरक्षा बल हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि कोकरनाग और जिस तरह से अलग अलग जगहों पर जो आतंकी हमले हुए और जिस तरह से कोकरनाग में एनकाउंटर के दौरान जो एक बड़ा नुकसान सुरक्षा बलों को खेलना पड़ा, उससे सुरक्षा बल पूरी तरह से अब अलर्ट पर हैं और किसी भी तरह की यहां पर जो लापरवाही है वो नहीं बरतना चाहते। कितना बड़ा ऑपरेशन तो देखिए, घाटी में लगातार सेना का जो ऑपरेशन है वो जारी है और 3रे दिन भी राजौरी में ये ऑपरेशन जारी है। कुछ डिटेल्स इस वक्त हम आपको दिखाते हैं, क्या कुछ जानकारी और सामने आ रही है। राजौरी और कुलगाम में 3 दिन से लगातार ये ऑपरेशन जारी है। आतंकियों का अक्टूबर में अंत, लगातार 3रे दिन ऑपरेशन राजौरी में जारी है, ये जानकारी इस वक्त आपको दे दें। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर है, ये जानकारी सामने आ रही है। मुठभेड़ लगातार जारी है और इन सबके बीच में पुलिस और सेना का संयुक्त ऑपरेशन है ये। कालाकोट जंगलों में ऑपरेशन राजौरी में इस वक्त चल रहा है। बीते 3 दिनों से आज सुरक्षा बलों आतंकवादियों में मुठभेड़ की यह खबर, इस वक्त अब भी मुठभेड़ जारी है, ये जानकारी। कुलगाम से इस वक्त आपको ये जानकारी दे दे, सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा हुआ है। पुलिस सेना का संयुक्त ऑपरेशन लगातार जारी है।